हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का IYS प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास, जिसमें हम कवर करेंगे PIV न्यूज़ को, फेमस न्यूज़पेपर लाइक दैनिक जागरण एंड हिंदू में जो भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है उसे हम कवर करेंगे, न्यूज़ ऑन एयर आकाशवाणी पर जो भी न्यूज़ चर्चा में उसे हम कवर करेंगे, नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज और ऑर्गेनाइजेशन जो भी चर्चा में उसे हम कवर करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर पॉसिबल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट लेक्चर की PDF आपको मिल सके और आप अपने करंट अफेयर को रिवाइज कर सकें। ठीक है दोस्तों, अगर आप डेली करंट अफेयर को डेली बेसिस पे करंट अफेयर को पढ़ते हो तो उससे आपके लिए बेनिफिट होगा, वो एक आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा, करंट अफेयर डेली बेसिस पर रिवाइज होता रहेगा आपका। ठीक है, तो चलिए आज की अपनी करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ क्या है, एडिडास ने टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा के साथ साझेदारी की है। यह आप देख सकते हो, टेबल टेनिस की खिलाड़ी फेमस मनिका बत्रा जी, एडिडास ने भारत के शीर्ष टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा के साथ साझेदारी की है। यह साझेदारी महिलाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। मनिका कॉमनवेल्थ गेम्स में टेबल टेनिस में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, ITTF विश्व रैंकिंग विमेंस डबल में शीर्ष 10 और मिक्स्ड डबल्स के शीर्ष 15 में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला हैं और ITTF रैंकिंग के शीर्ष 50 में प्रवेश करने वाली भी पहली भारतीय महिला हैं। तो आप सोच सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़, रतन टाटा को असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलेगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा ने 16 फरवरी को मुंबई में रतन टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष रतन टाटा को राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया। उन्हें असम में कैंसर देखभाल को आगे बढ़ाने में उनके असाधारण योगदान के लिए सम्मानित किया गया असम वैभव पुरस्कार से। यह आप रतन टाटा जी को देख सकते हो, तो इन्होंने असम में कैंसर के जो पेशेंट हैं उनकी देखभाल के लिए बहुत सारे प्रयास किए थे, उसी को देखते हुए राज्य सरकार ने इनको असम वैभव अपने राज्य के सर्वोच्च सम्मान से पुरस्कृत किया है। इस पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र, एक पदक और 5 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। यह पुरस्कार पहले 24 जनवरी को दिया जाना था बट उसको पोस्टपोन करके अब दिया गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, 17 फरवरी 2022 को भारत करेगा राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति का शुभारंभ। आपको मैंने पहले बताया होगा कि अमोनिया नीति भी का भी शुभारंभ किया था भारत ने, अब भारत हाइड्रोजन पॉलिसी शुरू कर रहा है। भारत 17 फरवरी 2022 को राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति के पहले भाग का शुभारंभ करेगा। नीति का उद्देश्य देश में हरित हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देना है। नीति के पहले भाग में ऐसे घटक शामिल होंगे जिन्हें सरकार द्वारा तुरंत लागू किया जाएगा और दूसरे भाग में वर्तमान में व्यय वित्त समिति के पास है। ठीक है, मतलब पहला प्रोसेस रेडी है तो उसमें क्या होगा, सरकार द्वारा तुरंत लागू किया जाएगा उसे, और दूसरा भाग अभी प्रोसेस में है तो उसको बाद में इंप्लीमेंट किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, RBI के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामांकित किया गया है संजय मल्होत्रा जी को। ये आप देख सकते हो, केंद्र सरकार ने संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक में केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में शामिल किया है। वे वर्तमान में वित्तीय सेवा विभाग के सचिव के रूप में कार्यरत हैं और उनका नामांकन 16 फरवरी 2022 से प्रभावी है। राजस्थान कैडर के बैच के हैं ये संजय मल्होत्रा, 1990 बैच के हैं। ठीक है, और इससे पहले REC लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत थे। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, सरकार ने नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। 2022 से 27 की अवधि के लिए, 5 वर्षों की अवधि के लिए एक नई योजना नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को मंजूरी दी है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और बजट घोषणा 21-22 के अनुरूप बेसिक शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करेगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए, यह योजना देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के गैर साक्षर लोगों को कवर करेगी, इसलिए यह न्यूज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जो बेसक हैं उनको कवर करेगी और इसका अनुमानित व्यय 1037 करोड़ रुपये बताया गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, भारत और जर्मनी के बीच कार्य योजना 2022 पर हस्ताक्षर हुए हैं। क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर इंडो जर्मन वर्किंग ग्रुप की 8वीं वार्षिक बैठक आभासी रूप से 16 फरवरी 2022 को आयोजित की गई, भारत और जर्मनी की। ठीक है,
दोनों ने गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे के को मजबूत करने, व्यापार में तकनीकी बाधाओं को कम करने, उत्पाद सुरक्षा बढ़ाने और उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करने हेतु सहयोग के लिए कार्य योजना 2022 पर हस्ताक्षर किए हैं। एक प्रकाशन यूनाइटेड इन इक्वेलिटी क्वालिटी एंड सेफ्टी भी जारी किया गया है। दोनों ने जो वार्ता करी उसके दौरान एक पब्लिकेट किया पब्लिकेशन यूनाइटेड इन क्वालिटी एंड सेफ्टी। न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। दिल्ली पुलिस ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया था 16 फरवरी को, ये मैं अपनी नेक्स्ट लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। बट एक न्यूज़ आई है कि दिल्ली पुलिस ने अपना लोगो भी चेंज किया। तो दिल्ली पुलिस का पहले लोगो क्या था? दिल्ली पुलिस के पहले लोगो पर अशोक स्तंभ था, अब दिल्ली पुलिस ने डिसाइड किया है कि उसका लोगो में इंडिया गेट होगा। ठीक है, तो अब दिल्ली पुलिस ने अपना लोगो चेंज कर लिया, अब उसके लोगो में इंडिया गेट होगा। और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कि इसने अपना डाक टिकट भी जारी किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। प्लूटो के वायुमंडलीय दाब का सटीक मान निकाला गया है, यह मैंने आपको बताया था, जो कि 80,000 गुना कम है पृथ्वी पर औसत समुद्रीय तल पर वायुमंडलीय दाब का। ठीक है, इसलिए न्यूज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। दाब की गणना 3.6 मीटर देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप है, उसके द्वारा की गई है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। 22 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेज, 23 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स विकसित करने की योजना बनाई है राजमार्ग मंत्रालय ने। ये भारतमाला परियोजना और मंत्रालय की अन्य योजनाओं का हिस्सा होंगी। ठीक है, और ये पीएम गति शक्ति, जो कि बजट 22-23 में एक मेन पिलर है, 4 पिलर्स में से एक महत्वपूर्ण पिलर है, तो उसके अंतर्गत की गई है, पीएम गति शक्ति के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली दिल्ली की पहली पुलिस बनी है, देश की पहली पुलिस। ठीक है, दिल्ली के नागरिकों को तकनीकी अनुकूल डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए दिल्ली पुलिस स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाला देश का पहला पुलिस बल बन गया है। दिल्ली पुलिस लाइसेंसिंग इकाई ने मौजूदा भारी हथियार लाइसेंस पुस्तिका को स्मार्ट कार्ड लाइसेंस शस्त्र लाइसेंस में बदलने का निर्णय लिया है। यह इसे मोबाइल ऐप शस्त्र ऐप के जरिए ई बीट बुक से भी जोड़ा गया है। तो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, बिकॉज अब ये ई मिले करेगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। बीमा उत्पादों के वितरण के लिए BSE, ईबिक्स और LIC के बीच समझौता हुआ है। BSE और ईबिक्स फिनकॉर्प एक्सचेंज प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त उद्यम BSE ईबिक्स इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड ने बीमा ब्रोकर समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है। यह इसके मंच पर जीवन बीमा निगम उत्पादों के वितरण के लिए है। ठीक है, LIC द्वारा यह पेश किया गया जीवन और स्वास्थ्य बीमा उत्पादों की पेशकश करेगा, तो इसलिए न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। G20 वित्त मंत्रियों की पहली बैठक में शामिल हुई हैं सीतारमण जी। आपको पता होगा कि G20 की बैठक हुई है 17 फरवरी को। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इंडोनेशिया की G20 प्रेजिडेंसी के तहत G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की पहली बैठक में भाग लिया है। यह वर्तमान वैश्विक आर्थिक मुद्दों और 2022 के लिए G20 प्राथमिकताओं पर चर्चा करने के लिए 2 दिवसीय बैठक के दौरान सत्रों में शामिल होंगी। राष्ट्रीय अध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का 17वां G20 शिखर सम्मेलन नवंबर 2022 में इंडोनेशिया में आयोजित होगा। ठीक है, तो उससे पहले ये बैठक हुई है जिसमें निर्मला सीतारमण जी ने भाग लिया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। 2026 तक क्षमता विकास योजना को जारी रखने के लिए सरकार ने मंजूरी दी है। सरकार ने क्षमता विकास योजना को 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान योजना को जारी रखने के लिए स्वीकृत परिव्यय 3,179 करोड़ रुपए हैं। यह आधिकारिक आंकड़ों की उपलब्धता को सक्षम करने के लिए बुनियादी ढांचा तकनीकी के साथ साथ जनशक्ति संसाधनों को बढ़ाने के समग्र उद्देश्य के साथ चल रही केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, इसलिए न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। 18 फरवरी को भारत UAE के साथ व्यापार निवेश समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। ठीक है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, भारत और UAE अपना ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। 18 फरवरी को भारत और संयुक्त अरब अमीरात एक आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान
एक व्यापार और निवेश समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे और दोनों देशों के नेता इसमें शामिल होंगे। ठीक है, ये अरब देश जो हैं, ठीक है, उनके साथ समझौता होगा, व्यापार समझौता, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। इसे व्यापार आर्थिक भागीदारी समझौता कहा गया है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहा गया है इसको। और समझौते के तहत दोनों व्यापारिक भागीदार अपने बीच में व्यापार के लिए माल की अधिकतम संख्या पर सीमा शुल्क को कम या समाप्त कर देंगे, तभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की ओर मूव किया जा सकता है, अगर वहाँ पे सीमा शुल्क नहीं होंगे तो। ठीक है, डंपिंग, वो एंटी डंपिंग नहीं लगाते हैं या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर टैक्सेस नहीं लगाते हैं, तो प्रोत्साहन किया जाता है व्यापार को, वही करने के मार्ग में है इंडिया और यूएई। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। भारत ने नियुक्त किया अपना पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक, तो कुछ भी पहला होता है तो इम्पोर्टेंट होता ही है। सरकार ने देश की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार को भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया है। वह नौसेना के पूर्व उप प्रमुख हैं। ठीक है, NMSC NSA अजीत डोवाल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के साथ समन्वय में काम करेंगे। जो अशोक कुमार जी हैं, ये अजीत डोवाल जी के साथ, जो NSA हमारे, उनके साथ समन्वय के लिए काम करेंगे। और पोस्ट 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के 14 साल बाद बनाई गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। एकीकृत POS समाधान के लिए कोटक महिंद्रा बैंक और इजी टैप के बीच करार हुआ है। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने भारत में 4000 स्थानों पर एकीकृत पॉइंट ऑफ सेल्स समाधान प्रदान करने के लिए इजी टैप के साथ करार किया है। इस पहल के जरिए डिजिटल भुगतान बाजार में बैंक की उपस्थिति मजबूत होगी। यह साझेदारी इसे खुदरा उद्यमों और सरकारी ग्राहकों सहित मर्चेंट खंड में अपने POS उत्पाद आधार को बढ़ाने में भी सक्षम बनाएगी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। इंदौर में बनेगा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा BioCNG प्लांट। ये न्यूज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंदौर में जल्द ही लगभग 400 बसें कचरे से उत्पन्न होने वाले BioCNG पर चलेंगी और BioCNG एक संयंत्र में बनेगी, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 19 फरवरी को किया जा रहा है। सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड के माध्यम से PPP PPP के माध्यम से 150 करोड़ रुपये के निवेश के साथ इंदौर नगर निगम के ट्रेचिंग ग्राउंड के 15 करोड़ में इस संयंत्र की स्थापना की गई है। ठीक है, दक्षिण एशिया में इस तरह का सबसे बड़ा BioCNG संयंत्र होगा ये, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंदौर म्यूनसिपल ने शुरू किया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। मंत्रिमंडल ने G20 सचिवालय की स्थापना को मंजूरी दे दी है। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने G20 सचिवालय की स्थापना को मंजूरी दे दी है। यह भारत के आगामी G20 प्रेसिडेंसी के संचालन के लिए आवश्यक समग्र नीतिगत निर्णयों और व्यवस्थाओं को कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 के तक पहली बार G20 की अध्यक्षता करेगा, जिसका समापन 2023 में भारत के G20 शिखर सम्मेलन के साथ होगा। इसी के लिए G20 के सचिवालय की स्थापना की गई है। न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत पहली बार इसकी अध्यक्षता कर रहा है। ठीक है, तो और G20 इंपॉर्टेंट है खुद में, और G20 की अभी तक लास्ट अध्यक्षता किसके पास है आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, क्योंकि भारत को तो 2022 के दिसंबर में मिलेगी ना, तो अभी किसके पास है वो आप मुझे बताइए कमेंट में। सिडबी ने बंगाल में बेस टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम को शुरू किया है। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्री एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसने बेस टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें महिलाएं पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के सुंदरबन में मछली के शल्क जो होते हैं उनसे आभूषण बनाएंगी। ठीक है, तो सिडबी 50 महिलाओं को सीधे राजस्व अर्जित करने का लाभ देगा। बाद में वे सभी अन्य उम्मीदवारों को ज्ञान का प्रसार करने के लिए एक प्रशिक्षक के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, पहले कुछ लोगों को, कम संख्या में लोगों को ट्रेन किया जाएगा, महिलाओं को, उसके बाद वो महिलाएं अन्य महिलाओं को प्रशिक्षण देंगी और उनके आजीविका के लिए कुछ इंपॉर्टेंट काम करेंगी। ठीक है, शल्क वगैरह से आभूषण बनाए जाएंगे जो उनके आजीविका का सहारा बनेंगे, इसलिए न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज़ भी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। प्रधानमंत्री 18 फरवरी को ठाणे और दीवा को जोड़ने वाली रेल लाइन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ठीक है, ठाणे टू दीवा। प्रधानमंत्री मुंबई उपनगरीय रेलवे की 2 उपनगरीय रेलगाड़ियों को भी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसका अनुमानित लागत लगभग 620
20 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अतिरिक्त रेलवे लाइनें उपनगरीय रेलगाड़ियों के यातायात में लंबी दूरी की रेलगाड़ियों के यातायात में रुकावट को काफ़ी हद तक दूर करेगा और इन पटरियों से 36 नई उपनगरीय रेलगाड़ियां भी चल सकेंगी, इसलिए न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने फ्रीडम टू वॉक और साइकिल चैलेंज अवार्ड के विजेताओं की घोषणा की है। ठीक है, तो विजेताओं का नाम देखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने फ्रीडम टू वॉक और साइकिल चैलेंज अवार्ड्स को स्टार्ट किया था, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने स्मार्ट शहर मिशन ने आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के स्मार्ट शहर मिशन ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत चलाई जा रही योजना जो कि 1 से 26 जनवरी 2022 के बीच पहली बार राष्ट्रीय स्तर की दो अनूठी चुनौतियों फ्रीडम टू वॉक एंड साइकिल चैलेंज फॉर सिटी लीडर्स और नागरिकों के लिए इंटर सिटी फ्रीडम टू वॉक एंड साइकिल चैलेंज फॉर सिटीजन का शुभारंभ किया था। ठीक है, तो अब उसका रिजल्ट दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों योजनाएं आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने शुरू की थी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव ने मंत्रालय के की लाभार्थियों से रूबरू पहल की अध्यक्षता की है। ठीक है, जो लाभार्थी हैं उनसे डायरेक्ट उन्होंने संवाद किया, इसीलिए कहा गया कि इसका विषय रखा गया लाभार्थियों से रूबरू। असम, झारखंड और केरल के जो प्रधानमंत्री आवास योजना के जो लाभार्थी हैं उनके साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत का आयोजन किया गया। पक्का मकान मिलने के बाद लाभार्थियों को अपनी ज़िंदगी बदलने वाली कहानियां साझा की। जिन लाभार्थियों को आवास योजना के तहत आवास विकास योजना के तहत आवास मिले थे तो उन्होंने अपने अनुभव को साझा किया कि उनके पास घर नहीं था, ऑब्वियसली किसी को घर मिल जाए तो उन्हें खुशी होगी, तो उन्होंने अपने खुशी को साझा किया। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत नवीकरणीय ऊर्जा में महिलाएं कार्रवाई के लिए आह्वान कार्यक्रम का आयोजन किया है। पद्मश्री पुरस्कार विजेता सहित 200 से अधिक प्रतिभागियों ने ऑनलाइन सत्र में भाग लिया। एमएनआरई सचिव ने मतलब नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव ने अक्षय ऊर्जा में महिलाओं की भागीदारी की भूमिका और महत्व को रेखांकित किया। ठीक है, तो इन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया था जिसमें 200 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया और महिलाओं की भूमिकाओं पर ये केंद्रित था कार्यक्रम। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। श्री नितिन गडकरी जी ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में 21,559 करोड़ रुपए के निवेश से 51 राष्ट्रीय परियोजनाओं का उद्घाटन का शिलान्यास किया है। ये आप देख सकते हो, इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप याद रखिए कि इन्होंने इनॉग्रेट किया है। गैर संचारात्मक वन प्रोटीन जापानी इंसेफ्लाइटिस वायरस के लिए एक संभावित बायोमार्कर, ठीक है, इनोवेट किया गया है, तो आप इसमें सिर्फ याद रखिए कि जापानी इंसेफ्लाइटिस के लिए एक बायोमार्कर बनाया गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद ने इस बायोमार्कर को बनाया है, दैट्स वाई इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। पश्चिमी हिंद महासागर स्थित ग्रेटर मालदीप रिज का टेक्टोनिक क्रमिक विकास गोंडवाना लैंड के टूटने और फैलाव के पुनर्निर्माण को समझने में सहायता कर सकता है, ऐसा एक रिसर्च आई है। एक हालिया अध्ययन में एक भारतीय शोधकर्ता ने टेक्टोनिक जो थ्योरी है उसके विकास और ग्रेटर मालदीप रिज की प्रकृति का पता लगाया है। पश्चिमी हिंद महासागर में स्थित GMR की बहुत ही महत्वपूर्ण भूगतिकीय विशेषताएं रही हैं और इसका मूल कई वैज्ञानिक बहस का केंद्र रहा है, तो यह अध्ययन मूल गोंडवाना लैंड के टूटने और इसके फैलाव के निर्माण को समझने में सहायता कर सकता है। ये न्यूज़ इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, रिज के पता लगेगा कैसे फॉर्मेशन हुई है। तो आई होप आपने आज की न्यूज़ कवर कर ली हो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।